हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वही शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रीसेंट स्टोरी में फाइनली वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि मेहता साहब ने अपनी गलती मान ली है कि वो कविता उन्होंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के बॉस के लिए लिखी थी। यानी कि अब तक तारक मेहता और अय्यर भाई इस झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोल रहे थे, बातों को गोल गोल घुमा रहे थे, लेकिन ये बात तारक मेहता से सहन नहीं हुई और तारक मेहता ने सीधे उठकर साफ साफ बोल दिया कि ये कविता अय्यर ने अपने बॉस के लिए नहीं लिखवाई थी बल्कि ये कविता उसने खुद अपने बॉस के लिए लिखी थी। और तारक मेहता के ये शब्द सुनने के बाद तारक मेहता के बॉस इस समय पर शॉक्ड हो चुके हैं कि आखिर तारक मेहता ने इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोल दिया, क्योंकि मेहता साहब की बातों में आकर उनके बॉस ने भी अपने दोस्त पर ही शक किया कि उनका दोस्त सही नहीं है। लेकिन मेहता साहब को कहीं ना कहीं लगा कि ये झूठ और देर तक नहीं टिक सकता और इसीलिए उन्होंने सच बोल दिया। लेकिन गाइस, इन सभी के बीच में आखिरकार जेठालाल का रोल क्या था, क्योंकि जेठालाल ने तारक मेहता और अय्यर भाई के रेस्टोरेंट में आने से पहले ये बात बोली थी कि किसी को कुछ नहीं होगा, वो आकर सारी बात संभाल लेंगे। तो आखिरकार जेठालाल अभी तक रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आए?